आधी हकीकत आधा फसाना। सोशल मीडिया पर कुछ वक्त पहले एक तस्वीर वायरल हुई और उसे लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। दरअसल कर्नाटक में एक नदी का पानी सूख गया और पानी घटा तो उसके अंदर से निकले सैकड़ों शिवलिंग। अब आप कहेंगे कि वो चट्टानों के टुकड़े होंगे जो शिवलिंग जैसे दिखते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे शिवलिंग ऐसे हैं जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से तराशा हो, एकदम जैसा किसी मंदिर में होते हैं। हमने सोचा कि क्या शिवलिंग पहले से नदी में थे, और थे भी तो इतने सारे शिवलिंग नदी के अंदर पहुंचे कैसे? बड़ी अजीब सी पहेली है। तो चलिए चलते हैं उस इलाके में और पता करते हैं कि ये सारे शिवलिंग नदी में आए कहाँ से। ये तस्वीरें किसी को भी चौंका सकती हैं। एक नदी है, नदी में पानी बेहद कम है, जिसके पत्थरों पर शिवलिंग बने हुए। ये तस्वीरें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर पिछले कई दिनों से वायरल है। क्या ये वायरल तस्वीरें हकीकत है? देश में वाकई कोई ऐसी अद्भुत जगह मौजूद है या ये सब सोशल मीडिया में फैली अफवाह है? ये पता करने के लिए हमारी टीम दिल्ली से कर्नाटक के सिरसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि वायरल मैसेज में कर्नाटक की शलमाला नदी का नाम लिखा था और ये नदी सिरसी में बहती है। तो मैं पहुंच गया हूं कर्नाटक के एक छोटे से शहर सिरसी में। वेस्टर्न घाट्स का ये हिस्सा है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी नदियां भी हैं, लेकिन हमको एक खास नदी की तलाश है। एक ऐसी नदी जहाँ पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि हजारों शिवलिंग मौजूद हैं। और ये बात सुनने में जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने में होगी। बस प्रॉब्लम यह है कि इस बात के बारे में, इस जगह के बारे में, इस नदी के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी मौजूद है। तो हमको तलाशना पड़ेगा कि वो नदी कौन सी है और उस नदी में वो एग्जैक्ट स्पॉट, वो जगह कहाँ है जहां पर ये चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। सिरसी में नदी का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने इलाके के मशहूर इतिहासकार से मुलाकात की, तस्वीरों को दिखाया और पूछा कि क्या ऐसी कोई जगह यहाँ पर है। आई थिंक ट्रेडिशनली दीपल समल स्टोरीज आर दे आर टेलिंग दैट सम people come here, they want to have some big religious center here, so but it was not possible, but even otherwise they did it, so they did it and puja is going on. Then since when it has been existing? I don't know. Nobody has a right? No. Matlab wo bas wahan hai? Hai. Kahan hai, kaise hai, kisne banaya, ye kisi ko nahi? Nahi ja. Kasbe se aage jungle hai. जंगल के एक कोने से वो शलमाला नदी बहती है। उसके किसी हिस्से में शायद ऐसी कोई जगह है जहां पर कई शिवलिंग एक साथ हैं। क्या वो जगह बिल्कुल ऐसी होगी जैसा वायरल मैसेज में दावा किया गया है? क्या नदी के तल में हमारी टीम को सैकड़ों शिवलिंग दिखेंगे? इसका फैसला तो वहां पहुंचने के बाद ही होगा, लेकिन जंगल में कहां जाना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता। हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो उस रहस्यमयी नदी का रास्ता दिखा सके। इतिहासकार के बताए रास्ते पर बस चलते चले जा रहे थे। जिसके मुताबिक हमें जंगल पार करना होगा, फिर याना नाम का गांव मिलेगा। उसकी भी अलग कहानी है, वो आगे बताएंगे। फिर जंगल का सबसे खतरनाक कोर एरिया आएगा, उसके बाद वो नदी मिलेगी जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है। याना एक नाम है या सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक सोच है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन बाहर बोर्ड देख के एहसास हुआ है कि याना नाम की जगह है, लेकिन वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है या आपके सामने है। रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको बस चलते रहना है और ऊपर वाले से ये दुआ करनी है कि आपको कोई चोट ना लगे, क्योंकि इन हालात में ज़रा सी चोट जो है वो आपके लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है।
कर्नाटक में कई नदियां हैं, लेकिन शलमाला नदी को सबसे पौराणिक नदी माना जाता है। याना गांव का उस नदी से गहरा नाता है। हमारी टीम अब उसी याना गांव में थी, यानी हम सही रास्ते पर थे। ये गांव कुछ अजीब पर्वतों और चट्टानों से घिरा है, लंबी लंबी, एकदम नुकीली। रंग देखकर ये पत्थर आग से झुलसे हुए लगते हैं। पत्थरों के रंग और पौराणिक कहानी में काफी तालमेल है। पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। कहते हैं महादेव ने कुछ वक्त यहां गुजारा था, फिर उस शलमाला नदी की तरफ बढ़े थे, जहां हमें भी जाना था। लेकिन इस हैरतअंगेज जगह ने हमारे कदमों को रोक लिया। तो यही वो गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर आकर छुप गए थे, जब भस्मासुर उनको जलाने के लिए अपना हाथ लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, और फिर इसी गुफा के पास भस्मासुर का अंत हुआ। वो कहानी आपने सुन रखी होगी, वो कहानियाँ पढ़ी भी हैं बचपन में, लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान शिव इसी जगह पर, इसी गुफा में छुपे हुए थे भस्मासुर से। लेकिन हमारी मंजिल ये गुफा नहीं, ये गांव नहीं, वो नदी है जिसकी गहराई में 10-20 नहीं सैकड़ों शिवलिंग हैं, जिसकी कहानी महादेव के चमत्कार से जुड़ती है। उस पौराणिक नदी की तलाश में हमारी टीम गांव वालों के बताए रास्ते पर निकली, एक बहुत बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान। देखिए, गांव वालों से जो अब तक हमें जानकारी मिली थी उससे कुछ बातें तो साफ थी। जंगल के अंदर एक नदी बहती है, उसमें कई सारे शिवलिंग भी हैं, लेकिन वो सब कुछ उस वायरल तस्वीर जैसा है या नहीं ये कहना अभी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के जोश में हम जंगल और उसके खतरों को बिल्कुल अनदेखा करते चले गए, और इस गलती का नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। अब इस शिवलिंग के रहस्य को हम सुलझा पाए या नहीं, या आखिर में क्या हुआ हमारे साथ, आइए देखते हैं। चलते चलते पैर जवाब देने लगे, उम्मीद साथ छोड़ने लगी, थकान से हालत खराब हो गई। इस चक्कर में भूल गए कि हम जंगल के कोर एरिया से गुजर रहे थे, जहां कदम कदम पर खतरा था। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, और लगातार एक डर बना हुआ है कि कहीं तेंदुआ, वो ब्लैक पैंथर, अगर आपने अगर उसके फोटो देखे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी आंखें कितनी पियर्सिंग थी, जैसे रूह के अंदर उतर जाने वाली आंखें। तो वो आंखें पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ रही हैं, और हर मूवमेंट से मुझको डर लग रहा है। चल 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 चलो 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 चलो, वहाँ बैठा हुआ था, बैठे बैठे आज एहसास हुआ जैसे कुछ मूवमेंट है झाड़ियों में, और ऐसे वक्त में आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता, ये देखना नहीं होता कि क्या है, सिर्फ वहाँ से भागना है, क्योंकि आप जानवर के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि कहीं से भी जानवर आप पर हावी हो, ऐसे में भागने क्या था वो कुछ। आइए जल्दी आइए, चलते रहिए, रुके कहाँ, चलिए चलिए। ये भ्रम भी हो सकता है, शायद वहां कोई जानवर भी हो। अब केवल डर की वजह से पीछे तो नहीं लौटा जा सकता। शिवलिंग से भरी नदी की तलाश में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, तभी किसी नदी के बहाव की तेज आवाज सुनाई दी। ये एक पुल था और नीचे नदी बह रही थी, शायद मंजिल करीब थी। और कुछ पलों में हमारी टीम नदी के किनारे थी। नदी तो मिल गई, अब वो शिवलिंग कहां मिलेंगे जिनका दावा किया जाता है, जैसा हमने उस तस्वीर में भी देखा था।
ये नदी के जो छोटे छोटे टापू हैं उन पर से चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पानी बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा गहरे पानी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भीग जाएंगे तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, और अगर इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे तो ये जो इतनी कवायद हो रही है ये सब बेकार हो जाएगी। और फासला तय किया। नदी का प्रवाह तेज था, बहुत संभल कर चलना था। फिर एक मोड़ पर जानते हैं हमें क्या दिखा। हमारी आंखों के सामने एक शिवलिंग था। वहीं दूसरा था, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे नहीं नहीं, यहां तो एक दो नहीं, सैकड़ों शिवलिंग थे। ओह गॉड, ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता कभी भी, ज्यादा एक्साइटमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता, और वही हुआ। लेकिन मुझे शिवलिंग दिखाई दे रहा फाइनली। शिट, सारा बीत गया। नदी के इस हिस्से में अनगिनत शिवलिंग दिख रहे थे। नदी अपनी गति से बह रही थी और पत्थरों पर शिवलिंग बने थे, और हमारी टीम के लिए इस जगह का मिलना कोई खजाना मिलने से कम नहीं था। फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जिसे सहस्रलिंग कहते हैं, और ये ऐसा है जैसे बचपन से आदमी कोई कहानी सुनता आया हो जो किसी परी की कहानी जैसी हो, जिसमें ऐसी जगहें हो जहां पे सिर्फ जो कहानियों में एग्जिस्ट करती हूँ। अभी तक मुझे लगा था ये जगह सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहानियों में एग्जिस्ट नहीं करती, आपके सामने मौजूद है। मैं खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी में 1000 शिवलिंग है। अब 1000 शिवलिंग तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग। अद्भुत नजारा है। एक बात गौर की आपने, नदियों में पत्थर तो होते ही हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर शिवलिंग बनाया गया था। जी हां, इन शिवलिंगों को पत्थरों पर गढ़ा गया है। कोशिश कर रहा हूं इन्वेस्टिगेट करने की। ये पत्थर में अपने आप कटा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को भी अलग से यहाँ ला के रखा गया है। ये नदी के ही पत्थर हैं जिनको शिवलिंग काट दिया गया है। किसने किया, कैसे किया, किस तरह से हुआ पता नहीं, बट मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी है। कुछ टूट चुके थे, कुछ आधे पानी में डूबे थे, तो कुछ शिवलिंग का जलाभिषेक खुद नदी कर रही थी। यकीन मानिए ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की तरह यहां भी कंकर कंकर में शंकर का वास लगता है, तो जहां महादेव वहां उनकी सवारी। ये वाला जो सर है ये नंदी का सर है, बाकी शरीर टूट गया है। हजारों सालों से कोई चीज मौजूद है और पानी लगातार बह रहा है, हवा है, तो जाहिर है चीजें टूट जाती हैं। नंदी का सिर तो है, शरीर नहीं है, लेकिन आप सिर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मूर्ति रही होगी, कितनी बड़ी मूर्ति रही होगी, मतलब मैसिव जायंट मूर्ति रही होगी। और जाहिर है अगर इतनी बड़ी नंदी की मूर्ति रही होगी तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शिवलिंग भी मौजूद रहा होगा। लेकिन लगातार पानी से, हजारों साल से जो पानी की मार पड़ रही है उसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से टूट गई हैं। लेकिन अभी भी आप किसी भी पत्थर पे हाथ डालिए तो कहीं ना, ये देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति है, ये भी एक पूरी ह्यूमन शेप बना हुआ है, ये पूरी मूर्ति बनी हुई है। मतलब अपने आप में कमाल है कि किस तरह से हर पत्थर में कुछ ना कुछ मौजूद है, हर पत्थर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये बता रही है कि यहाँ पर हजारों साल की मेहनत के बाद ये सब बना होगा। नदी का बहाव तेज था, गहराई का भी अंदाजा नहीं था,
लेकिन इस जगह को देखकर शायद ही कोई खुद पर काबू रख पाए। इस नदी में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जरा भी आपका सर बस किसी भी चीज़ से टकरा जाएगा तो आप बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो चीज़ दिखा सकूँ जो इस नदी में मौजूद है। अभी पूरी लाइन है शिवलिंग की, कोशिश करूँगा कि वहाँ तक जा सकूँ, लेकिन पूरा का पूरा मैं इस वक्त पानी में डूबा हुआ हूँ। और एक एक कदम आगे बढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल साबित हो रहा, बहुत मुसीबत लग रही है। शिवलिंग की बनावट, कुछ टूटी प्रतिमाएं, हो न हो इस जगह का नाता पौराणिक काल से जरूर है, लेकिन कब से? कोई कहता है श्रीराम के समय का है, किसी के मुताबिक ये शिवलिंग महाभारत के समय के है। एक कहानी तो 400 साल पुराने राजा से भी जुड़ती है, लेकिन हकीकत यही है कि किसी को नहीं पता कि ये जगह कितनी पुरानी है। नदी के नीचे भी जाकर मैंने कोशिश की कि मैं देख सकूं कि कहां पर शिवलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। इतना ही आप सिर्फ देख सकते हैं और आगे जाएंगे तो पानी का बहाव आपको बहा कर ले जाएगा, तो आगे और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आई थिंक दिस इज़ द लिमिट, बस इसके आगे अब और कुछ मुमकिन नहीं है। दावे के मुताबिक इस जगह पर 999 शिवलिंग है। आज इनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। और यहां तो जहां नजर जा रही थी शिवलिंग ही नजर आ रहे थे। देखिए कहानी है कि यहां पर अगर एक साथ 1000 शिवलिंग बन जाते तो ये गोकर्ण बन जाता, लेकिन 1000 शिवलिंग बनने नहीं दिए भगवान कृष्ण ने। और अभी भी आप देखेंगे तो आपको मेरे पीछे ही एक पूरी लाइन दिखाई देगी शिवलिंग की। ये एक मेरे आगे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब पीछे पूरी लाइन है जो एक साथ करीबन करीबन 10 शिवलिंग है। मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, पानी का बहाव ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप एक सेकंड के लिए भी खड़े हो सके। अभी और शिवलिंग देखने थे, नदी में और अंदर जाना था, लेकिन गहराई और तेज बहाव को देखते हुए मुमकिन नहीं था। नदी के नुकीले पत्थरों से चोट भी लग सकती थी। इस नदी में तैरना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है और बहुत सारे पत्थर हैं, और ऐसे पत्थर हैं जिनसे जरा सी चोट जो है वो आपको खत्म कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो शिवलिंग दिखा सकूं जो मेरी नज़र में आ रहा है, मतलब जो भी मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पानी का बहाव अब आगे इतना तेज़ है कि अब शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। वैसे भी पूरा पानी जो है वो सिर तक आ चुका है, अब इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। हमारी टीम सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी इन तस्वीरों की पड़ताल करने निकली थी। सवाल ये था कि वाकई कोई ऐसी जगह है जैसा इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है, और हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि कर्नाटक में वाकई एक ऐसी नदी है जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग हैं, और जब भी पानी कम होता है ये शिवलिंग पानी से बाहर निकल आते हैं, और आज ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं।